अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। लास्ट टाइम हमने एडिशन रिएक्शन देखा था, अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन गिव एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में है कि ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो वैसे तो ये जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं ये काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं और ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, तो हमको फिर क्लोरीन के साथ ही बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये हाइड्रोकार्बन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज़ निकाला और एक चीज़ उसके बदले में रखा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अगर हम उसके साथ कुछ लाएंगे तो वो उसको ऐड करना ज़्यादा पसंद करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करके, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वो, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्लोरीन से रिएक्ट होता है, हमको सिर्फ क्लोरीन का ही करना है क्योंकि ये ज़्यादा किसी से रिएक्ट होता नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से और तुम्हारा उसके बदले में एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ये बन गया क्लोरोमीथेन। अब अगर इसको मैं और क्लोरीन से रिएक्ट करूँगी, CH3Cl को और क्लोरीन से रिएक्ट करूँगी तो अगेन यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और CH2Cl2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे करके धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन है डाइक्लोरोमीथेन। अब ऐसे ही अगर मैं इसको और रिएक्ट करवाऊँगी क्लोरीन से तो ये बन जाएगा CH, एक और हाइड्रोजन कम हो गया और उसके बदले तीन क्लोरीन हो गए, ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। ये ज़रूर पूछ, ये तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में, एक्चुअली ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो है ये क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये बेहोश करने के काम में आता है। मूवी में देखते हैं ना कि रुमाल बांध के किसी के नाक में रख दिया और वो बेहोश हो गया, तो वो रुमाल में जो चीज़ रहती है वो ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को सुंघा के किसी को बेहोश किया जा सकता है। वॉट इज़ क्लोरोफॉर्म? इट इज़ ट्राइक्लोरोमीथेन। अब हम इस ट्राइक्लोरोमीथेन में भी हम इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब एक कार्बन में तीन क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। अब इसको और एक क्लोरीन से रिएक्ट करके मैं इसको टेट्राक्लोरोमीथेन बना सकती हूँ, मतलब चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, तो ये आपका बन जाएगा CCl4, ये होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बस आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल इतना ही पढ़ना है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमने देखा कंबशन, इन विच हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बेटर फ्यूल देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो कंप्लीट कंबशन देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीट कंबशन देते हैं। फिर हमने देखा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने देखा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको ऐड कर लेते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। फिर हमने लास्ट देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें केवल हमको क्लोरीन के साथ देखना है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ क्वाइट अनरिएक्टिव, तो और ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करता है और सब्सिक्वेंटली वो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्म करता है। ओके।